हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। चलिए आज बनाते हैं दोस्तों बहुत ही हेल्दी सी और बहुत ही स्वादिष्ट सी बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और मैं इसे बना ही रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने रात को मूंग दाल को भिगा के रख दिया था, और यहाँ पे थोड़ी सी ही मूंग दाल, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ी सी मूंग दाल को भिगा के रखा था। इसे थोड़ा सा पानी डाल के और इसे हम पीस लेंगे। पीस के एक बर्तन में निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। यहाँ पे कूटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स को हम इसमें डाल के मिला लेंगे। और भी कोई मसाले वगैरह इसमें हम नहीं डालने वाले हैं, ताकि बच्चों को ये पसंद आए और बहुत ही हेल्दी सा बन के तैयार भी हो। और इसे हम इस तरीके से फेंट के तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पर डालेंगे डोसा वाला जो पैन होता है, वो हम इस पर पैन रखेंगे और उसके ऊपर बिना कोई तेल या फिर कुछ डाले हुए इसे डाल के इस बैटर को फैला लेंगे। और फैलाने के बाद यहाँ भी दोस्तों मैंने पनीर रखी थी, पनीर को ग्रेट कर लिया था पहले से ही, और ये पनीर इसके ऊपर से हम इस पर डाल देते हैं। हर तरफ इसे डाल के फैला लेंगे और बहुत ही झटपट से, बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और इसके ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती इसके ऊपर से डाल के हम फैला लेंगे, इसे ढक देंगे। और ढकने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं ये नीचे से बिल्कुल पक चुका है। और चाहे तो आप इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं, या फिर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बटर या फिर घी डाल के भी बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है, और घी डाल के इसे पलटी कर देंगे और इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट से बन जाता है, बहुत ही हेल्दी भी है दोस्तों। अगर आपने नहीं बनाया है तो बना के ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था, आप अगर बनाते हैं आपके भी बच्चों को मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा लंच की रेसिपी बन के तैयार है। तो इसी तरह से बाकी सारी जो रेसिपी है, सारी जो यहाँ पे लंच के लिए मैं बना रही हूँ चीले, ये सभी बना के तैयार कर लेती हूँ। और इसी तरीके से जैसे हमने बनाया था पहले, इसी तरीके से बाकी सारी भी बना के तैयार कर लेंगे। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हल्का सा इसमें आपको थोड़ा सा मूंग लेना है। आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चने की दाल से भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से इसे बना सकते हैं। बस बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। और उसी तरीके से, सेम तरीके से बना के इसे भी हम सेक के तैयार कर लेंगे। आज की वीडियो दोस्तों लंच बॉक्स की रेसिपी थी। आई होप करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।